स्टूडेंट्स, आज हम पोइट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ईफ और राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, और यह पोयम क्लास 11 ईपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है का अध्ययन करेंगे। इस पोयम में पोएट ने कुछ शर्तें बताई हैं। यदि हम उन शर्तों का पालन अपने जीवन में करते हैं, शर्तें कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में करना है और कुछ शर्तें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में नहीं करना है, और यदि हम इन शर्तों का पालन करते हैं तो हमें इसका परिणाम अपनी लाइफ में कैसा मिलेगा और हम अपने जीवन में क्या कुछ बन जाएंगे, ऐसा इस पोयम में बताया गया है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कीप योर हेड का अर्थ है धैर्य रखना, शांत बने रहना। ऑल अबाउट यू का अर्थ है दूसरों के विचार आपके बारे में। लूजिंग देयर्स मतलब आपा खोना, और ब्लेमिंग का अर्थ है दोषारोपण। तो जब कभी दूसरे तुम्हारे ऊपर दोषारोपण कर रहे हो और अपना आपा खो रहे हो, तो यदि तुम शांत बने रहते हो, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। ट्रस्ट का अर्थ है विश्वास, अलाउंस का अर्थ होता है सहमति, और यदि दूसरे तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहे हों पर तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो, बट यू मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन इसके साथ साथ ही तुम उनके संदेहों को स्वीकृति देते हो, मतलब उसका प्रतिवाद नहीं करते हो। कोई संदेह करता है तो स्वीकार लेते हो, ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो ठीक है। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड फॉर वेटिंग, यदि तुम इंतजार कर सकते हो और इंतजार करते हुए थकते नहीं हो, मतलब तुम्हारे अंदर यदि धैर्य है। आर बीइंग लाइड अबाउट डू नॉट डील इन लाइज। बीइंग लाइड अबाउट का अर्थ है झूठे विचारों का मंथन, झूठे विचारों को आरोपित करना, और यदि तुम्हारे ऊपर झूठे विचार आरोपित किए जाते हैं, झूठी बातें कही जाती हैं तुम्हारे बारे में, पर तुम झूठ का सहारा नहीं लेते हो उन लोगों के प्रति जो तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हैं। आर बीइंग हेटेड डू नॉट गिव वे टू हेटिंग, और यदि तुम्हारे साथ घृणा किया जा रहा है, लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, तो भी यदि तुम उनके साथ घृणा नहीं कर रहे हो, एंड इट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाई, और इस सब के बाद भी तुम बहुत अच्छा दिखने का या बहुत अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते हो, नॉट टॉक टू वाई, या इस तरह से बातें नहीं करते हो जैसे कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाना चाह रहे हो। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और यदि तुम सपने देखते हो जीवन के लिए, क्या कुछ जीवन में पाना चाहते हो, क्या कुछ करना चाहते हो, लेकिन सपनों को अपना मालिक नहीं बनाते हो, सपनों के गुलाम नहीं बनते हो। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम, और यदि तुम सोचते हो एंड नॉट मेक थॉट योर एम,
और अपने विचारों को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाते हो, इफ यू कैन मीट विथ ट्रायंफ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. यदि तुम ट्रायंफ का अर्थ होता है विजय और डिजास्टर का अर्थ होता है विपत्ति या हानि या हार पराजय, यदि तुम्हें विजय मिलती है या फिर हार का सामना करना पड़ता है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और तुम दोनों ही धोखेबाजों को एक समान तरीके से लेते हो, विजय और पराजय दोनों ही धूर्त होते हैं और कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते हैं. विजय मिलने पर अहंकार या घमंड के भाव आते हैं और पराजय हीन भावना भरती है, निराशा देती है. तो राइटर यहाँ कहना चाह रहा है कि यदि जीवन में विजय मिल रही हो या फिर पराजय, दोनों को समान भाव से लेते हो, विजय मिलने की स्थिति में फूल के मोटे नहीं हो जाते या फिर हार की स्थिति में सूख के कांटे नहीं हो जाते, तो इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नर्व्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स. नर्व्स का अर्थ है धूर्त लोग. तो धूर्त लोग तुम्हारी कही बातों को तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्टेड का अर्थ होता है मरोड़ना, यदि धूर्त लोग तुम्हारी कही बातों को तोड़ मरोड़ कर मूर्खों को फंसाते हैं, मूर्खों के सामने कहते हैं, तो भी तुम उसको सुनने का और उसको सहन करने का सामर्थ्य रखते हो. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या उन चीज़ों को टूटते हुए, समाप्त होते हुए, नष्ट होते हुए देख सकते हो, सहज बन के देख सकते हो, जिन्हें पाने के लिए, जिन्हें करने के लिए तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो. एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विथ ऑर्न अप टूल्स, और उस विनाश को देखने के बाद कुछ क्षण के लिए रुकते हो और फिर से उसे बनाने में लग जाते हो. विथ वार आउट टूल्स का अर्थ है अपने घिसे पिटे कलपुर्जों के साथ, या इसका भाव होगा कि अपने सीमित संसाधनों में फिर से उस लक्ष्य को पाने में लग जाते हो. इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यदि तुम अपनी सभी सफलताओं का एक ढेर बना लो, जितनी भी सफलताएं या उपलब्धियां तुमने हासिल की हैं उसका एक ढेर बना लो. एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस. पिच एंड टॉस का अर्थ है जोखिम भरा खेल, और उन सारी उपलब्धियों, सारी पूंजी पे कोई रिस्क ले लो, कोई ऐसा खेल खेल जाओ जिस जो जोखिम भरा हो, कोई ऐसा व्यापार शुरू करो, और फिर एंड लूज तो अपने जीवन की सारी पूंजी को अगर तुम किसी जोखिम भरे व्यापार में लगाते हो और सब कुछ खो देते हो, हार जाते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिंस, और फिर से अपनी शुरुआत करते हो. एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस. ब्रीथ का अर्थ है शिकायत करना, और अपने नुकसान के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हो. इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व्स एंड स्नीव. हार्ट का अर्थ है हृदय, नर्व्स का अर्थ है नाड़ी, और स्नीव का अर्थ है स्नायु. तो यहाँ पे भाव होगा कि यदि तुम तन मन धन से, पूरी शक्ति से फिर अपने प्रयास में लग जाते हो, तो सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन. अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हो जबकि तुम अपना सब कुछ खो चुके हो. एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू. होल्ड ऑन का अर्थ है धैर्य रखना और जारी रखना. इसके बाद भी तुम अपने कार्य में जारी रहते हो सहजता के साथ जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हो. एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन, सिवाय उस इच्छा शक्ति के जो कहता है बस लगे रहो. इफ यू कैन टॉक with crowd
एंड कीप योर वर्च्यू। यदि तुम एक भीड़ का अंग हो, तुम्हारी कोई पहचान न हो, फिर भी तुम अपने गुणों को नहीं खोते हो, अपने गुणों को बनाए रखते हो। और वॉक विथ ए किंग, या तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना राजा के साथ हो। नॉर लूज द कॉमन टच, और ऐसी स्थिति में भी तुम अपने सामान्य जनों के साथ संपर्क को नहीं तोड़ते हो, अपने सामान्य मित्रों के साथ, अपने सामान्य रिश्तेदारों के साथ अपने संपर्क को नहीं तोड़ते हो, मतलब जमीन से जुड़े रहते हो। इफ नाइदर फूज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, यदि तुम्हारे शत्रु, फूज का अर्थ है शत्रु, नॉर लविंग फ्रेंड्स या फिर प्यारे मित्र हर्ट यू, यदि तुम्हारे शत्रु और प्यारे मित्र तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हों। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टच मच, यदि सभी व्यक्ति, हर कोई जो भी तुम्हारे सर्किल में है, उन्हें तुम उनसे संपर्क रखते हो लेकिन बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हो। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, इफ़ यू कैन फील द फॉरगिविंग मिनट्स, फॉरगिविंग मिनट्स का अर्थ है समय किसी को क्षमा नहीं करता। तो यदि तुम अपने समय का पूरा उपयोग करते हो, विथ 60 सेकेंड से अर्थ है कि अपने समय का हर सेकेंड यूज करते हो, हर क्षण यूज करते हो उस दौड़ के लिए जिसके पीछे तुम जा रहे हो, जो तुम्हारी मंजिल है, जो भी पाना चाहते हो, तो उस दौड़ में, उस प्रयास में अपना एक एक क्षण लगाते हो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, तो यह धरती तुम्हारी ही है, एवरीथिंग दैट इज इट इज इन इट, और इस धरती की हर चीज़ें भी तुम्हारी ही। एंड विच इज मोर यू विल बी मैन माई सन, और ये तो बहुत कम है, इसके आगे भी जो होगा वो ये होगा कि तुम एक आदमी बन जाओगे। आदमी से अर्थ है एक आदर्श इंसान बन जाओगे मेरे बेटे।